जो दुनिया के सबसे बड़े ताकत है, सबसे बड़े पार्टी है, आज उनको तकलीफ होने लगा है कि मुकेश सहनी मेरे बराबरी कर रहा है। विशेष तौर पे धन्यवाद, और यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन उपस्थित है, सभी को सनक मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। आज ये तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये आज हम पूजा में आए हैं, महावीर झंडा के उत्सव में आए हैं आप सभी के समक्ष, और निश्चित तौर पे आप सभी को कल्याण हो। और मैं इस शुभ अवसर पे मैं चाहूंगा कि मैं कुछ बात आप लोगों के बीच में रखूं। साथियों, सबसे पहले, और यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला माता है, बहन है, आप जितना ही मन लगन से भगवान प्रभु को मानते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपका कल्याण हो, आपके जिंदगी में कोई दुख ना हो, आपके अगल बगल में सब अच्छा रहे, आप आगे बढ़े। तो ये सब जितना लगन से आप पूजा करते हैं, उतना ही लगन से अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपका समाज का कल्याण नहीं होगा। एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जो बच्चा पढ़ लिख लेता है, एक मामूली नौकरी चपरासी का भी अगर कर लेता है, तो उनका घर परिवार बहुत आगे निकल जाता है। और जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, कलेक्टर तो दूर की बात है। तो आपको अगर पढ़ाना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तभी आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा और आपके जिंदगी का हर दुख तकलीफ दूर होगा। इसलिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, वो काबिल होगा तो आगे बढ़ेगा। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं शहर जाएंगे, तो स्टार्टिंग में नौकरी उसको 15-20 हजार रुपए का नौकरी मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, शहर में जाके रोड के बगल के मिट्टी को काटेंगे, सबसे मेहनत का काम करेंगे, लेकिन सबसे कम पैसा उन्हीं को मिलेगा। और जो पढ़े लिखे होंगे वो आराम की नौकरी करेंगे, एसी में बैठेंगे और वो वहां पे नौकरी करेंगे, उनको अच्छा तनख्वाह मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारा समाज, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। आज मैं देखिए, मेरे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, 18 साल की उम्र में घर परिवार से दूर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत मजदूरी मैंने किया, मात्र 900 रुपया महीने में मैं नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में अपने बेहतर जिंदगी जीने का एक साधन हमने उपलब्ध करा लिया। उसके बाद मैंने देखा लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा लोग बहुत पीछे रह गया, और मैंने मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में लौट के आया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया, उनको जागरूक करने के लिए मैं आया, और पूरे बिहार में मैंने जागरूक किया। कल तक जो निषाद मल्ला का बेटा सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमता था कि सर एक टिकट हमको दे दीजिए, और पूरे जिंदगी भर उनको पार्टी में काम करा के एक टिकट उनको नहीं दिया करता था। आज वहीं पे हम पटना में बैठकर एक निषाद एक मल्ला का बेटा टिकट बांटने का काम करते हैं, हर जाति धर्म को टिकट देने का काम करते हैं। ये कब हुआ? जब आप हम संगठित हुए, समझदार हुए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसका बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन देश की आजादी के बाद लोकतंत्र आया। इस लोकतंत्र में राजा आपके वोट से बनेगा, राजा मतलब राज का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है, महाराजा मतलब देश के प्रधानमंत्री वो भी आपके वोट से बनता है, एक वार्ड सदस्य हो वो भी आपके वोट से बनेगा, और देश का प्रधानमंत्री है वो भी आपके वोट से बनेगा। चाहे वो आपका वोट, चाहे गरीब मछुआरा का वोट हो, या दलित भाई का वोट हो, या देश का सबसे अमीर व्यक्ति का वोट हो, दोनों का वोट का वैल्यू एक ही है। अगर गरीब का वोट का गिनती अगर एक है, तो अमीर आदमी का भी वोट का गिनती एक ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग के लोग अपने वोट का अधिकार को नहीं समझे,
इसलिए आज आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। आज अभी नवंबर महीना चल रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, ये दो महीना में बिहार में इतना ठंड होगा कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रजाई में अगर सोए होंगे तो रजाई से पैर तक निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ठंड लग जाएगा। लेकिन यही समय में कुछ लोग अपने पेट के लिए, अपने घर परिवार के लिए, भोजन के लिए ये ठंडी के समय में तालाब में उतर के मछली मारते हैं और फिर बाजार में लाकर बेचते हैं, तब उनका घर परिवार चलता है। इसको बदलाव में लाने की आवश्यकता है और ये तब होगा जब आप जागरूक होंगे। आज देखिए सत्ता पावर जिसके पास आता है, अगर गरीब का वोट का गिनती अगर एक है तो अमीर आदमी का भी वोट का गिनती एक ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग के लोग अपने वोट का अधिकार को नहीं समझे। इसलिए आज आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। आज अभी नवंबर महीना चल रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, ये दो महीना में बिहार में इतना ठंड होगा कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रजाई में अगर सोए होंगे तो रजाई से पैर तक निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ठंड लग जाएगा। लेकिन यही समय में कुछ लोग अपने पेट के लिए, अपने घर परिवार के लिए, भोजन के लिए ये ठंडी के समय में तालाब में उतर के मछली मारते हैं और फिर बाजार में लाकर बेचते हैं, तब उनका घर परिवार चलता है। इसको बदलाव में लाने की आवश्यकता है और ये तब होगा जब आप जागरूक होंगे। आज देखिए सत्ता पावर जिसके पास आता है वो अपने अनुकूल वो उपयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो आपको भी अपने अनुकूल सबसे पहले बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि सब आदमी तो राजनीति में नहीं आ सकते, लेकिन अराजनीति में अच्छे लोग जब आएंगे तो जरूर गरीब के लिए काम करेंगे, गरीब का ध्यान देंगे। आज मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे पता है कि गरीबी क्या है, क्योंकि मैं 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे काम मजदूरी करता था। लोग कहते हैं ना अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल, मैं खुद गरीबी देखा हूँ और मैंने फिर एहसास किया और मैं अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने लगा। तो पूरे जो दुनिया के सबसे बड़े ताकत है, सबसे बड़े पार्टी है, आज उनको तकलीफ होने लगा कि मुकेश सहनी मेरे बराबरी कर रहा है, जो इसको 75 साल से जो समाज को पैर के तले दबा के रखे हैं, वो समाज कैसे खड़ा हो गया, हमारी बराबरी कैसे करने लगा। जब 2020 का सरकार जब बना उस समय में लोगों के पास 74 विधायक आया, लेकिन मेरे पास 4 ही विधायक हुआ, लेकिन जितना 74 वाले के पास पावर था उतना ही 4 विधायक के पास भी पावर था। अगर 74 वाला समर्थन अगर नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता, वही अगर 4 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो भी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये कह सकते हैं कि एक मल्लाह मछुआरा का बेटा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और उस समय में जब सरकार में कोई भी पॉलिसी की बात होता था, कोई भी निर्णय लेने की बात होता था, 4 पार्टी जब बैठता था तो एक उस लाइन में एक निशान का मल्लाह का बेटा भी बैठता था, तो उस वो ताकत हमने बनाया है। इसलिए मैं कहूंगा कि जागरूक होइए, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूजा करने के लिए आए हैं, अपने आप को कल्याण करने की बात हो रहा है।